देवा शामली पुलिस के हाथ एक बार फिर बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने एक ट्रक से अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने ट्रक से 104 पेटी रॉयल स्टैग करीब 10,000 लीटर पकड़ी है। पकड़ी गई अंग्रेजी शराब की कीमत 5 लाख रुपए मानी जा रही है। साथ ही पुलिस ने दो अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी शराब तस्कर शराब के जखीरे की तस्करी कर हरियाणा से यूपी ला रहे थे। दरअसल मामला आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के NH-709A का है, जहां पर पुलिस को मुखबिर से अवैध शराब की तस्करी कर लाए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए ट्रक को पकड़ने का प्रयास किया। जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रक को रोका तो ट्रक में मौजूद भारी मात्रा में अवैध शराब देखकर पुलिस के होश उड़ गए। साथ ही पुलिस ने दो शातिर शराब तस्करों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए आरोपी तस्करों के मुताबिक अवैध शराब का जखीरा हरियाणा से तस्करी कर उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था। पकड़े गए ट्रक से 104 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। पकड़ी गई शराब की कीमत 5 लाख रुपए मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने बरामद शराब सील कर थाने में ले आई है और पकड़े गए आरोपी तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए आरोपी तस्करों के नाम नौशाद व फरियाद बताए जा रहे हैं, जो शामली जनपद के कस्बा कांधला के निवासी हैं। जैसा कि हमारे शामली जनपद की सीमा हरियाणा के उससे लगती है, तो वहां पे शराब की तस्करी की काफी शिकायतें मिल रही थी और इसी मद्देनजर हमारे जनपद में अवैध नशे के परिवहन का, नशे के व्यापार के खिलाफ बहुत सख्ती के साथ मुहिम चलाई गई है। अभी तक करीब 90,000 से ऊपर लीटर शराब बरामद की गई है। उसी अनुक्रम में आज फिर हमारी आदर्श मंडी पुलिस को ये कल सफलता मिली है, जिसके तहत करीब 1,000 लीटर रॉयल स्टैग विस्की ब्रांड के नाम से ये अवैध शराब हरियाणा में बरामद की गई है। ये शराब दो लोग लेके जा रहे थे, जिसमें से ये नेपाल में धागा की सप्लाई करनी थी, जबकि ये शराब बिहार में उतारी जानी थी। तो ये हमारी टीम को सफलता मिली है। करीब 1,000 लीटर शराब है, 5 लाख रुपए कीमत इसकी आंकी जा रही है और ये धागे के नीचे छुपा करके एक ट्रक में ले जाई जा रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने ट्रक को बरामद किया है, दो अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं और 1,000 लीटर शराब भी बरामद की गई है। अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। सर, लगातार बड़ी कैब पकड़ी जा रही है सर, आपकी क्या पता चल पाया सर कहाँ से आती है? ये जो जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं, वो ये पता चला कि हरियाणा में जो डिस्टिलरीज हैं वहाँ से ये अवैध रूप से, निश्चित रूप से डिस्टिलरी के लोगों की मिली भगत थी, इसमें शामिल हो सकती, मतलब प्रकाश में आ रही है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ से सही से निकलता है, लेकिन जो अभियुक्त हैं उसको असली माल को रख देते हैं और उसी की आड़ में अवैध माल को भी सप्लाई करते हैं अच्छे दामों पे, खासकर उन इलाकों में जहां शराबबंदी लागू है, जैसे कि बिहार। तो इस तरह से प्रक्रिया के तहत और काफ़ी शातिर तरीके से ये ड्राइवर रास्ते में बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी मुखबिर की सटीक सूचना पर हमें आदर्श मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। सिरसापुर में पकड़ी गई है जो हरियाणा के तस्कर हैं, उनका भी पता चल पाया, उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई सर? उसके विरुद्ध हम लोग डिस्टिलरी के जो संचालक हैं उनके विरुद्ध नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं और उनका पूरा डिटेल, जैसे थाना झिंझाना की बात करें तो थाना झिंझाना के द्वारा पहले 10,000 लीटर पकड़ी गई थी। तो